रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिस्सों ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज की अपनी छोटी सी वीडियो का करते हैं आगाज, और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि मैं अभी जा रहा था मामू जुवेद के पास इस्लामाबाद में। पिछले दिनों मैं उनसे बात कर रहा था फोन पर, वो मैंने अपने बहन भाइयों से भी शेयर की थी, काफी अपसेट थे, परेशान थे, डोनर नहीं उनको मिल रहा था। डोनर को लेकर अभी जा रहा हूँ जी उधर इस्लामाबाद में, मामू जुवेद के पास। अजीज ही हैं, हमारे रिश्तेदार ही हैं, तो बस मेरी बहन भाइयों से गुजारिश है कि दुआ करें, अल्लाह करे इनका जो गुर्दे का वो मैच हो जाए साथ इनके, तो अल्लाह खैर करे मामू जुवेद का फिर ऑपरेशन हो जाए। तो काफी अपसेट थे पिछले दिनों, तो तसल्ली वगैरह तो मैंने उनको दी थी कि मामू जी परेशान ना हो, आप अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो भाई को मैंने कहा था कि आप अकेले चले जाएं, तो वो अकेले नहीं, वो जा रहे थे। और दूसरा फिर मामू जी भी कह रहे थे कि यार मुजम्मल आप साथ लाजमी आओ। ठीक है मामू जी, मैं भी साथ आ रहा हूँ। तो अभी वो भाई को मैंने कॉल की है, वो भी रेडी होकर आ रहे हैं इधर मेरे घर में ही। तो फिर इधर से इंशाल्लाह निकलते हैं उधर अड्डे की तरफ। टिकट्स जो थी वो मैं करवाया था दोपहर को, 9:30 बजे की गाड़ी की टिकट्स है हमारी, तकरीबन 9 हो गए हैं। तो बस इंशाल्लाह निकलते हैं इधर से, और बाकी आगे जो भी सीन होंगे सब अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं। काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। असल में चले तो मैंने कल ही जाना था उधर इस्लामाबाद में, ये जो पिछला दिन गुजरा है, लेकिन मामू से कल मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने कहा कि मतलब इतना सफ़र करके आपने उसको बंदे को साथ लेकर आना है, तो कुछ ना आपको मैं टेस्ट भिजवा रहा हूँ लिखकर, तो ये आप ना काइंडली उधर से करवा लें। तो फिर जो हॉस्पिटल में वो जिधर से वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं ना, या जिधर से उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उस वो डिस्पेंसर से मेरी उन्होंने बात करवाई थी, जो वो जो उधर होते हैं उनके असिस्टेंट डॉक्टर के, उनसे मेरी बात करवाई, उन्होंने मुझे टेस्ट लिखवाए, बल्कि मुझे व्हाट्सएप पर उन्होंने वो भिजवा दिए थे लिखकर कि ये उस डोनर के आप उधर से टेस्ट करवा लें, अगर तो ये क्लियर आते हैं तो फिर आप उनको लेकर आएँ, अगर वो नहीं उनके टेस्ट आते तो फिर आपको इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इधर से हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दोपहर को उस भाई को साथ लेकर इधर जो हमारी लेबॉरेटरी है इधर उधर गया था, तो टेस्ट उनके माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर आए हैं, बिल्कुल ठीक है। वो मैंने व्हाट्सएप उनको भी कर दी थी, उधर इस्लामाबाद वाले एक भाई जो उधर मामू जुवेद की देखभाल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि ये बिल्कुल जो है ना इनके टेस्ट जो है ये बिल्कुल ठीक है, आप बस ना भाई को लेकर इधर पहुँचने की करें इंशाल्लाह। तो वो टेस्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने उस भाई के करवाए हैं उधर से लेबॉरेटरी से। ये आप देख सकते हैं ये वाला टेस्ट जो है ना, ये आज मैंने करवाए हैं HCV, और इसका HB कुछ इस तरह के कुछ लिखे हुए, HIV कुछ एड्स के हैं, कुछ इस तरह यरकान वगैरह के कुछ इस तरह के हैं ये, कुछ शुगर के। और ये वाला है ये जो ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन इस तरह के, ये गुर्दों के मतलब का है ये टेस्ट। तो ये दोनों जो दोनों तो नहीं खैर काफ़ी ज़्यादा हैं, दो इधर हैं और 1 2 3 4 5 पांच इस साइड पर टेस्ट हुए हैं। ये ऊपर ऊपर ब्लड ग्रुप ही उनका लिखा है ओ पॉजिटिव, ये ओ पॉजिटिव था इनका, लेकिन वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये ए वाले को भी लग जाता है, और ए जो ओ होता है ना वो ए वाला बंदा होता है उसको भी लग जाता है, इसकी आप फिक्र ना करें। हालांकि मुझे एक दफ़ा परेशानी बनी थी कि ये तो इसका ओ निकल आया, तो मामू का ए पॉजिटिव है, असिस्टेंट डॉक्टर थे वो कह रहे थे कि नहीं इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप बंदे को लेकर इधर पर पहुँच जाएँ, अल्लाह ताला खैर करेगा। अभी मेन टेस्ट तो उधर ही होंगे इस्लामाबाद में, मामू के साथ ही उनके वो जो टिश्यू मैच करते हैं कोई इस तरह के जो, और छोटे मोटे जो उनके होते हैं, ये तो उन्होंने कहा था कि एक टेम्परेरी तौर पर आप उधर से करवा कर एक ज़रा तसल्ली हो जाए, अगर तो बंदे को फॉल्ट है तो फिर तो इधर से पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आप उसको साथ ले आएँ। बहरहाल मज़ीद अभी टेस्ट जो है ना वो उनके कल इंशाल्लाह उधर जाकर होंगे, और बाकी ये जो टिकट्स भी मेरी पड़ी हुई है ये आज दोपहर को मैं उधर से करवा आया था, तो अल्लाह खैर करे अभी निकलते हैं जी अड्डे की तरफ, और इंशाल्लाह भाई को भी साथ लेता हूँ, और आगे जो जो भी सीन होंगे सब अपने बहन भाई से शेयर करते हैं। काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छा एक और छोटी सी बात, कि अक्सर मेरे बहन भाई मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं कि मामू जुवेद से हमारी बात कराएं, क्योंकि मामू जुवेद के पास व्हाट्सएप का नंबर नहीं है, तो फिर मेरा ही तकरीबन हमारे सब्सक्राइबरों के पास मेरा नंबर है, तो वो अक्सर मुझे कॉल करते हैं कि हमारी मामू से बात करवाएं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मामू जुवेद के पास, और जिन मेरे बहन भाइयों ने अगर मामू जुवेद से बात करनी हो तो काइंडली वो मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉल कर सकते हैं, उनकी मैं मामू जुवेद से इंशाल्लाह बात करवा दूंगा। आज 26 तारीख है, तो 27 का सारा दिन मैं उधर रहूँगा, और जो 27 और 28 की जो रात होगी वो भी मैं इंशाल्लाह उधर रहूँगा, और 28 वाले दिन इंशाल्लाह सुबह सुबह मैं उधर से निकल आऊँगा वापसी अपने घर।
अच्छा जी, अभी हम अड्डा में पहुंचे हैं अपने फतेहपुर वाले में। ये राणा जहांदेव की गाड़ी इधर से जाएगी, उस पर टिकट मैंने करवाई हुई है। जो टांग डेवो सर्विस है इनकी, इधर से चलती है पिंडी इस्लामाबाद के लिए। तो अड्डे में पहुंचे हैं, अभी तक गाड़ी तो खैर नहीं आई, 15 मिनट रहते हैं अभी आने में, तो वेट करते हैं। इधर ठंड भी आज बहुत थी, मोटरसाइकिल पर आए हैं भाई नवार मामू जुवेद के मुलाजम थे, वो मुझे छोड़ने आए हैं इधर, बड़ी ठंड सी। तो वो जो दूसरे भाई थे वो इधर शहर में पहले ही हम थे ना, वो आ गए थे। जब मैंने उनके घर से पता किया तो वो कह रहे थे यार मुझे थोड़ा सा काम था इधर, तो मैं पहले ही इधर पहुंच गया हूँ, तो आप आ जाए उधर से। तो अभी भाई नवार उनको लेने के लिए गए हुए मोटरसाइकिल पर, तो मैं अभी इधर अड्डे पर खड़ा हुआ था। तो थोड़ी देर तक वो भी आ जाते हैं और बस भी आ जाएगी। ये तो खैर कोई और आई है, हमारे वाली तो गाड़ी नहीं है। थोड़ी देर तक अभी वो भी आ जाती है, 15 मिनट रहते हैं अभी उसके आने में। अच्छा जी, आ तो गए हैं भाई नवार उस बंदे को लेकर, वो जो हमारे डोनर हैं। हाँ जी, पहुँचे हो? सर्दी है कि नहीं? सर्दी थी अखीर। अच्छा, इफ्तार नहीं आया आप? नहीं, वो लेडी थी, उनकी तबीयत है बहुत खराब है पता। अच्छा अच्छा अच्छा, की हाल है, खैर खरीत है? अच्छा नवार, सर्दी लग रही है? सर्दी ज़्यादा। चाह पीनी है? मोटरसाइकिल लैके ना उसे बैठ के खड़ा कर दे, फिर अबू को अबू बैठक जी सुते ने, तेन दस दे भी बैठ के बस उ राम राम ना जाई है। सर्दी बहुत, बल्कि तू मैं तो कहना मेरे वाला कोट तू ले जाए ना ला देना। कोट देखो पाया। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मोटरसाइकिल तो बहुत गर्मी सर्दी लगती है। अच्छा जी, गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई है, ये देख सकते हैं। अनवार और रखी यार समान विच, जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीट तो हमें काफ़ी पीछे मिली है, जो हमारी वाली गाड़ी थी वो तो मिस हो गई थी, ये फिर उन्होंने दूसरी जो टाइम था उसमें हमें सीट बना कर दी है। पहली वाली जो गाड़ी जिसमें हमारी सीटें थी उनका कोई मसला बना था रस्ते में, तो वो तो फिर उधर ही रुके हुए हैं। ये उनके पीछे ये गाड़ी आ रही थी, फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस गाड़ी में बैठ कर चले जाएंगे, तो जब आएगी तो आएगी। खैर 43-44 नंबर सीटें मिली है। मुझे सबसे ज़्यादा जो मसला था वो स्मेल का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्मेल नहीं है इसमें। वो एयर प्रेशर छोड़ते हैं ना बस के अंदर, बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे उससे, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कभी तक खैर नहीं इतना महसूस हो रहा है। अल्लाह बेहतर करके इंशाल्लाह जी दुआ करें, खैर करिए हमारा सफ़र जो है ना उतरे। बाकी इंशाल्लाह आज के ब्लॉग बस इधर ही एंड करते हैं, और बाकी जो भी बातें होंगी इंशाल्लाह मुझे के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपनी बहन भाई से शेयर करेंगे। ज़्यादा देर फिर इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाई को हमें।